आइए दोस्तों, आज हम तुमको बताएंगे किस प्रकार से पैंट के पीछे की जेब बनाते हैं, यानी बैक पॉकेट पीछे की किस प्रकार से बनाते हैं, इसके बारे में जानकारी हम आपको देंगे। यहाँ पे लमसम हम 1 इंची की डेट इस प्रकार से, 3 इंची तक का लंबाई डेट एक डाल लेंगे हम इस प्रकार से। अब ये हमारी डेट पड़ चुकी है। अब इसके बाद में हम इसमें पॉकेट बनाएंगे। तो हम आपको बता रहे हैं, ये हमारा फ्लाप है, इधर रख देते हैं। और ये हमने फैशन पट्टी 2 चिपका रखी है 6-6 इंच की, तो यहाँ पे बीचों बीच का निशान उठा लेंगे इस प्रकार से। और जो हमने ये डेट डाली हुई है ये वाली, तो ऊपर से हम 3 इंची पे यहाँ पे निशान लगा लेंगे और इधर भी 3 इंची का निशान लगा लेंगे, क्योंकि 3 इंची ऊपर से हमारी पॉकेट बनती है। और जो गुटका ये हमने बीच का उठाया हुआ है, अब यहाँ से हम पहले 2.5 इंच इधर और 2.5 का दूना 5, 5 इंची हमें पॉकेट बनाना है। तो इस प्रकार से सिलाई से हम 5 इंची तक रोक लेंगे इस प्रकार से। अब इसके बाद में दूसरी वाली पट्टी जो हमने चिपकाई है उसको हम ऊपर रखेंगे, ये वाली पट्टी है जो, इसको हम इस प्रकार से रखेंगे और उसी के बराबर से बिल्कुल सेम सिलाई लगाना है। 19-20 नहीं होना चाहिए, बराबर बिल्कुल सिलाई हमें लगनी चाहिए, जिससे हमारी पॉकेट अल्टर ना हो। और इस प्रकार से हम सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी बराबर बिल्कुल लग चुकी है। तो ये हमारे पॉकेट की सिलाई लग चुकी है। अब इसको बीचों बीच इस प्रकार से पकड़ लेंगे और इसको इस हिसाब से खोलेंगे। हमें खोलना वहाँ तक है जहाँ तक का हमने टांकी बांधी हुई है, इस प्रकार से कर लेंगे। और जो हमारी टांकी है उसको हम एक सूत पीछे ही रखेंगे, इस हिसाब से पीछे ही रखेंगे, क्योंकि जिससे हमारी पॉकेट ख़राब ना हो। और इधर भी उसी हिसाब से कटिंग कर लेंगे हम। अब ये हमने पॉकेट को खोल लिया है। अब इसको हम हल्की सी बारीक यानी पतली 2-3 सूत की निकालेंगे इस प्रकार से, और इस पे हम बिल्कुल सिलाई, हमें पैंट के कपड़े पे सिलाई नहीं लगाना है, उसी पट्टी पे लगाना है जो हमने निकाली हुई है बारीकी से हल्की 3 सूत की, उसी पे सिलाई लगाना है इस प्रकार से। और इसके बाद में दूसरी वाली भी लगा लेना है इसी प्रकार से। इधर की भी हम मोड़ लेते हैं और बिल्कुल बराबर उसी के टैप, उतनी ही चौड़ी, उतनी ही गैप बराबर होना चाहिए, जिससे हमारी पॉकेट दिखने में अच्छी लगे। अब हमने ये सिलाई लगा लिया है। अब इसके बाद में इसको हम, जो हमने खोला हुआ है पॉकेट, इसी के अंदर से हमको कपड़ा निकालना है। आप देख लीजिएगा इस प्रकार से इसको अंदर से निकाल लेंगे, और इसके बाद में ऊपर वाला भी इसी के अंदर से निकाल लेंगे इस प्रकार से। अभी हमारी सीधा तरफ से पॉकेट बनाई थी, ये अब उल्टा कर लिया है, और इसको हम इस प्रकार से बराबर रोक लेंगे, दोनों तरफ रोक लेंगे, जिससे हमारी पॉकेट अच्छी तरीके से रुक जाए और रेशा बाहर हमारा ना निकले। तो इसको हम इस प्रकार से रोक लेते हैं दोनों तरफ।
इस प्रकार से दोनों तरफ हमने रोक लिया है। अब देख लीजिएगा अच्छी तरीके से हमारी पॉकेट ये बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसके बाद में हमें करना क्या है, ये जो मार्जिन हमारा ज़्यादा है इसको हम कट कर देते हैं। अब इसके बाद में हमें करना क्या है, इस हिसाब से हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से 9 इंच पे रखेंगे हम पॉकेट, और इसको हम इस हिसाब से नाखून लगा लेंगे और इसको हम इस हिसाब से सिलाई लगा लेंगे। लमसम आधा इंच दूरी से जो पॉकेट हमने बनाया हुआ है, आधा इंच इधर और आधा इंच उधर, तो 6 इंच हमारी ये पॉकेट रह जाएगी। इस प्रकार से आप अच्छी तरीके से पॉकेट को रोक लीजिएगा। अब ये हमारी सिलाई लग चुकी है, इसको भी दबाव काट दिया। अब इसको हम इस हिसाब से पलट लेंगे और इस पे भी सिलाई लगा लेते हैं। अब ये हमारी पॉकेट बनकर तैयार हो चुकी है। इसके बाद में हम फ्लाफ यानी ढक्कन अपना इसको नापेंगे, हम इस हिसाब से देखेंगे बराबर हमारा आ रहा है, क्योंकि पॉकेट हमने 5 इंच की बनाई हुई है। पहले हम पॉकेट आपको दिखा देते हैं, ये 5 इंच की है, तो फ्लाफ ये 4.25 यानी 5 से 2 सूत कम होना चाहिए। अब इसको फ्लाफ को हम बनाएँगे। अब फ्लाफ हमारा बन चुका है। अब इसके बाद में बटन लगाने के लिए एक लूपी के लिए हम लमसम आधा इंच कपड़ा इस हिसाब से काट लेंगे और इसको हल्का सा बारीक मोड़ लेंगे, और मोड़ने के बाद में फ्लाफ में लगाएंगे जिससे हम बटन लगा सकें। वो चीज़ हम बना रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से बनाना है। बिल्कुल बारीकी सी हल्की सी बनाना है इस हिसाब से। इसके बाद में अब हम फ्लाफ पॉकेट के अंदर लगाएंगे इस हिसाब से, लमसम 1 इंची इधर और 1 इंची उधर अंदर कर लेंगे, और इस पे हम सिलाई इस प्रकार से लगा देंगे। और हमें सिलाई कपड़े पे नहीं लगाना है, ये जो पट्टी निकाली हुई बिल्कुल उसी के मीडियम बराबर धसी हुई सिलाई लगाना है, जैसे कि हमारा ऊपर से सिलाई ना दिखे, इस कारण से बिल्कुल बराबर लगा लेना है। और उधर भी टांकी हमको बांध लेना है।
अब इस प्रकार से हमारा बैक पॉकेट पैंट की बना करके आपको हमने दिखाई हुई है, देख लीजिएगा इस प्रकार से बनकर तैयार हुई। आप भी इसी टाइप से बिल्कुल बना सकते हैं।